उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर बादल फटने और भारी बारिश से कोहराम मचा हुआ है। कई जगहों पर भूस्खलन से पहाड़ टूटकर सड़कों पर आ गिरे हैं। उत्तरकाशी, लामबगड़, बागेश्वर, चमोली और टेहरी में तो हालात बहुत खराब है। स्कूल कॉलेज बंद हैं। मौसम विभाग ने सोमवार को भी बारिश का अलर्ट जारी किया था। कई स्थानों पर बादल फटने से लोगों के मलबे में दबे होने की खबर है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को मौके पर रवाना कर दिया गया है। क्या आप जानते हैं कि बादल फटना किसे कहते हैं? बादल क्यों फटता है? कहीं भी बादल फटने की घटना तब होती है जब काफी ज्यादा नमी वाले बादल एक जगह पर रुक जाते हैं। वहां मौजूद पानी के बूंदें आपस में मिल जाती हैं। बूंदों के भार से बादल का घनत्व बढ़ जाता है, फिर अचानक भारी बारिश शुरू हो जाती है। बादल फटने पर 100 मिलीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बारिश हो सकती है। पानी से भरे बादल पहाड़ी इलाकों में फंस जाते हैं। पहाड़ों की ऊंचाई की वजह से बादल आगे नहीं बढ़ पाते, फिर अचानक एक ही स्थान पर तेज बारिश होने लगती है। चंद सेकेंड में 2 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो जाती है। पहाड़ों पर अमूमन 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर बादल फटते हैं। हालांकि बादल फटने का दायरा ज्यादातर 1 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया गया है। पहाड़ों पर बादल फटने से इतनी तेज बारिश होती है जो सैलाब बन जाती है। पहाड़ों पर पानी रुकता नहीं, इसलिए तेजी से पानी नीचे आता है। नीचे आने वाला पानी अपने साथ मिट्टी, कीचड़ और पत्थरों के टुकड़े ले जाता है। इसकी गति इतनी तेज होती है कि इसके सामने पड़ने वाली हर चीज बर्बाद हो जाती है। पहले धारणा थी कि बादल फटने की घटना सिर्फ पहाड़ों पर ही होती है, लेकिन मुंबई में 26 जुलाई 2005 को बादल फटने की एक घटना के बाद ये धारणा बदल गई। अब ये माना जाता है कि बादल कुछ खास स्थितियों में फटता है। वे स्थितियां जहां भी बन जाएं बादल फट जाता है। कई बार बादल के मार्ग में अचानक से गर्म हवा का झोंका आ जाए तो भी बादल फट जाते हैं। मुंबई की घटना इसी वजह से हुई थी। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप अपडेट रहें हमारे नई वीडियो से।